हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपना किचन टूर शेयर करूंगी। उसमें मैं शेयर करूंगी सिंपल किचन को किस तरीके से एक महीना पहले आप साफ कर सकते हैं, क्योंकि ओपन किचन जो होते हैं जिसमें जो मॉडर्न किचन नहीं होते हैं, जिस तरीके से सिंपल किचन होते हैं, स्लैब वगैरह पे सारा सामान रखना पड़ता है, तो उनको हम टाइम टू टाइम ही साफ करते हैं, क्योंकि दिवाली जब आती है तो सभी को सफाइयाँ सभी करते हैं। तो किचन में हम उसको ओपन किचन जो होता है हमारा, जिसमें ड्रॉर वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ स्लैब पे ही सामान रखना होता है, तो उसको हम किस तरीके से एक से डेढ़ महीना पहले सफाई कर सकते हैं उसकी, क्योंकि वो अगर हम उसको सफाइयाँ करते हैं, जितने भी बॉक्स वगैरह होते हैं वो दोबारा से हमारे गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें चिमनी भी नहीं होती है और सारे बॉक्स वगैरह स्लैब पे इसी तरीके से रखे होते हैं, तो उन पे चिकनाइयाँ जमती रहती हैं, तो वो दोबारा से वापस से इतने गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम साफ करना पड़ता है। टाइम टू टाइम अगर उनको हम साफ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा काम हो जाता है हमारे पास। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम टाइम टू टाइम उसको साफ करें। तो मैं तो हमेशा ही किस तरीके से साफ करती हूँ ओपन किचन को, जिस तरीके से स्लैब पे सामान रखते हैं, क्योंकि वो बॉक्स वगैरह सब गंदे हो जाते हैं, ऑयल हो जाते हैं, तो मैं तो एक महीना पहले ही अपनी किचन की इस तरीके से सफाई करती हूँ सभी को बॉक्स में। धीरे धीरे जब भी बर्तनों को क्लीन करती हूँ तो थोड़े थोड़े बॉक्सों को अपने उनकी बर्तनों के साथ ही अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उससे मुझे क्या होता है, इतना ईजी हो जाता है कि बर्तन एकदम ढेर सारे, मुझे जो बॉक्स होते हैं दालों के, जो बॉक्स होते हैं कंटेनर होते हैं हमारे मसालों के कंटेनर होते हैं, तो उनको हमें जो सबको एक साथ लेके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैं तो थोड़े थोड़े जो बर्तन होते हैं उनके साथ, जो दालों के कंटेनर होते हैं और मसालों के कंटेनर होते हैं, उनको दो तीन करके लगातार साफ करती रहती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, उनको धूप में सुखाने के बाद तो उनको उनमें सामान जो निकलता है थोड़ा बहुत होता है, उनको मैं धूप में सुखा देती हूँ अच्छे से। फिर उसको बॉक्स में सामान को रखने के बाद फिर मैं बॉक्स को बंद करती हूँ और एक पॉलीथीन लेती हूँ, और पॉलीथीन में बंद करके मैं बॉक्स को और पैक करके वापस से स्लैब पे रख देती हूँ। और फिर मैं जब मेरे सारे बॉक्स तैयार हो जाते हैं, सब अच्छे से वॉश हो जाते हैं, तो फिर मैं करती हूँ किचन की क्लीनिंग। जैसे कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी तो मैं फिर पूरे किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि किचन की क्लीनिंग हमारी एक ही दिन में हो जाएगी। किचन की क्लीनिंग कर ले और बॉक्स की हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे सारे दाल के बॉक्स और जितने भी मसालों के कंटेनर हैं हमारे सब वॉश हो चुके हैं, तो हमें कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो उन बॉक्स को उठाएंगे हम वापस से, हम कहीं साफ जगह पे रख देंगे, फिर मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। किचन जितना भी क्लीन हो जाएगा सारा सूख जाएगा। तो मैं सभी कंटेनर को एक जगह रख देती हूँ, किचन जब अच्छे से वॉश हो जाता है, बिल्कुल किचन को क्लीन करके धो के झाड़ पूछ के अच्छे से सूख जाता है जब किचन, तो फिर सारे उन पे न्यूज़पेपर लगाने के बाद, या आप मैट भी डाल सकते हैं उस पे, जो स्लैब के मैट आते हैं वो डाल सकते हैं, तो फिर सारे बॉक्स को वापस से रख देती हूँ। लेकिन जब दिवाली आती है तो फिर उन कंटेनर को मैं पन्नियों में से अलग निकाल देती हूँ, तो एकदम हमारी किचन जो होती है वो बिल्कुल चकाचक दिखाई देती है, क्योंकि किचन भी हमारा क्लीन हो चुका है और बॉक्स भी हमारे सारे क्लीन है। एक साथ ही हम उनको सबको पन्नी में से निकाल के रखेंगे तो वो किचन एकदम जगमगाई भी लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, और हमें बिल्कुल भी थकावट भी नहीं होती है। इस तरीके से काम को हम थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार हम सारे बॉक्स को एक साथ इकट्ठे करके बैठेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है। बहुत ज़्यादा पहले मैं इस तरीके से करती थी, सारे बॉक्स एक दिन में साफ करती थी, किचन भी उसी दिन साफ करती थी, तो अब मैंने कितने ही साल से मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो पहले बॉक्सेस को थोड़े थोड़े करके बर्तनों के साथ क्लीन हो जाते हैं, फिर एक दिन किचन को क्लीन कर देती हूँ और फिर उस दिन बॉक्स को पन्नी में करके रख देती हूँ। और फिर जब दिवाली आती है तो दिवाली से एक दिन पे, सॉरी, जब फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं तो मैं जैसे करवा चौथ वगैरह से उससे पहले फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, तो मैं सबको कि बॉक्स को पन्नी में से अलग निकाल के किचन को चकाचक रहता है, क्योंकि फेस्टिवल जब शुरू हो जाते हैं तो गेस्ट भी डेफिनेटली हमारे घर पर आते ही हैं, तो हमारा किचन भी क्लीन मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है जब सब तारीफ करते हैं, तो मुझे तो थकावट भी नहीं होती है। इस तरीके से मैं अपने कंटेनर को थोड़े थोड़े करके वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इन पे हल्की हल्की सी चिकनाई जम चुकी है, हल्का हल्का सा डस्ट है, गंदा हो चुका है, तो इनको सबसे पहले मैं खाली करूँगी। तो इनको हम खाली कर लेंगे, जो इनका बचा हुआ सामान होगा उसको एक प्लेट में डालकर और मैं धूप में रख दूँगी, क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है तो मसाले भी सारे अच्छे से सूख जाएंगे। तो सभी कंटेनर को सबसे पहले मैं एक प्लेट में इनको खाली कर लूँगी। तो यहाँ पर ये पिसी हुई खटाई अमचूर पाउडर है, तो इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पेपर लगाया हुआ है, तो इसको मैं वॉश करने के लिए रख दूँगी और इसको मैं धूप में सुखा दूँगी।
और ये इतने हमारे कंटेनर वॉश होंगे और धूप में सूखेंगे हमारे कंटेनर, तो हमारा मसाला भी जो है बचा हुआ वो भी बहुत बढ़िया से सूख जाएगा। और मैं वैसे भी बीच बीच में काफ़ी 15 दिन में उनको मसालों को थोड़ी थोड़ी एक दो कंटेनर करके धूप लगाती रहती हूँ। इसी तरीके से इस मौसम में हमेशा हमें अपनी चीज़ों को इस तरीके से सुखा लेना चाहिए, धूप लगा देनी चाहिए, ताकि वो हमारे जो मसाले होते हैं वो ख़राब ना हो। और ये है, और इसमें ये सौंफ है, सौंफ को मैं पहले ही धूप लगा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इनको पन्नी में कवर करके रखा हुआ है, और इन तीन चार कंटेनर को मैं पहले ही साफ़ करके और इनको धूप में सुखाने के बाद मैंने यहाँ पर इनको इस तरीके से पन्नी में पैक कर दिया है। और मुझे बिल्कुल भी, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है इनको सामान को ढूंढने में। तो यहाँ पर बादाम को भी मैंने धूप लगा लिया था और इस वाले बॉक्स को भी मैंने साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वाला कंटेनर खाली है, बट ये वॉश हो चुका है, तो इसको भी मैंने पन्नी में कवर कर दिया है जिससे कि ये अभी गंदा ना हो। तो इसमें भी कुछ नहीं रखा हुआ है, जो इसमें सामान था वो खाली हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टील के बॉक्स हैं, और स्टील के बॉक्स में जितने भी मैंने साफ़ कर चुकी हूँ उनको मैंने पन्नी में रख दिया। इनका मसाला जो ये दालों के हैं, सबसे बड़े वाले बॉक्स 2.5 किलो के, तो ये दाल को मैंने अच्छे से सुखा दिया है। जो ये एक्स्ट्रा दाल है उनको मैं फ्रीज में रखती हूँ। तो यहाँ पर जो एक दो कंटेनर आपको बिना पन्नी के दिखाई दे रहे होंगे, तो मैंने उनको साफ़ नहीं किया है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अभी उनको मैंने साफ़ नहीं किया है। और जो कम यूज़ होते हैं, ये नीचे वाले जो कंटेनर है 1.5 किलो के, ये हैं धनिए हल्दी मिर्च वगैरह के, और ये ऐसा सामान होता है जो इसमें एक में सेंधा नमक है और एक में कसूरी मेथी है, इसमें कणी है ऊपर वाले बॉक्स में, नीचे वाले में वाइट वाली साबुत लाल वो सॉरी सफ़ेद मिर्ची हैं, एक में इसमें है हमारे ये खाली है, और इसमें कलर है हलवे का कलर है ये, तो इसको मैंने साफ़ नहीं किया है अभी, देख सकते हैं आप। और इन कंटेनर को मैंने, जिनको भी मैंने खाली किया था, जिनका सामान धूप में रखा हुआ है, तो इनको मैंने वॉश कर दिया है, और इनको भी मैं धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। ये भी बहुत बढ़िया से थोड़ी देर में सूख जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो इनको धूप में रख देंगे। और फिर मैं इनके मसाले जब शाम तक सूख जाएंगे तो इनको वापस से कंटेनर में डालते हुए, और फिर मैं इनको पन्नी में पैक करके रख दूँगी। इन वॉश किए हुए कंटेनर को भी एक बास्केट में रख लेते हैं और इनको रख देते हैं बालकनी में धूप में, तो इनमें भी धूप लग जाएगी। और इनको मैं थोड़ी देर बाद ही उठा लूँगी क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो इनको मैं कंटेनर को बहुत ज़्यादा देर के लिए धूप में नहीं रखूँगी, थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे। और ये वाला क्लिप कई दिन बाद का है, जब मेरे टोटली कंटेनर किचन के सब वॉश हो चुके हैं, धूप में सूख चुका है मसाला भी और दालें भी हमारी, और सारे कंटेनर को मैंने पन्नी में पैक करके अलग रख दिया है, और यहाँ पर मैंने किचन को अच्छे से वॉश कर दिया है, और सारे टोटली बर्तन भी सब वॉश हो चुके हैं, धूप में इनको मैंने सुखा दिया है, और किचन भी हमारा सूख चुका है। तो किचन में वापस से देख सकते हैं, मैंने दोनों ही चॉपिंग बोर्ड को धूप में रख दिया था, इनको धूप में सुखा दिया है मैंने इनको अच्छे से वॉश करने के बाद। और मैंने वापस से यहाँ पर इसको मिक्सी को भी सेट कर दिया है, ये पानी की बाल्टी जिसमें फिल करके रखते हैं पानी को हम, ये सब स्लैब वगैरह सूख चुके हैं बहुत बढ़िया से, सभी टाइल्स वगैरह धो दी है, तो आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन पड़ा है हमारा किचन। इसको कई दिन बाद खाली करने के बाद का वीडियो है, तो मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। तो ये है यहाँ पर हमारा विच मेकर, तो इसको भी मैं, ये ओपन किचन है तो इसीलिए यहाँ पर इसको भी पन्नी में पैक करके ही रखती हूँ हमेशा। इसकी पन्नी मैंने ऊपर से वॉश कर दी है, अच्छे से सूख चुकी है धूप में, तो इसको मैंने वापस से सैंडविच मेकर को भी पन्नी में रख दिया है। और सारे कंटेनर, जितने भी कंटेनर हैं, जब से ये आए हैं कंटेनर, तो इनकी प्रॉपर एक जगह बनी हुई है कि ये वाली दाल का इस साइड रखा होता है, इसके बराबर में ये वाली दाल होती है, इसके बराबर में ये वाली दाल होती है, और इसके बराबर में नीचे ये जो नीचे वाला स्लैब है उस पर मसालों के कंटेनर होते हैं। तो मुझे हर कंटेनर का पता होता है कि इस जगह ये वाला कंटेनर रखा हुआ, तो इसलिए मुझे वैसे भी दिक्कत नहीं होती, और उन पे जो चिट लगी हुई थी मैंने उन पे भी लिखा हुआ है, तो और भी इजी हो जाता है, वैसे मेरा हाथ उसी पे जाता है हमेशा। और ये बड़े वाले कंटेनर भी धूप में सूख चुके हैं, ये नाश्ते के कंटेनर है मेरे, देख सकते हैं नाश्ता मैंने अलग रखा हुआ है, तो ये वॉश हो चुके हैं और ये भी धूप में सूख चुके हैं, तो अब मैं इनमें नाश्ता फिल करके इनको रख दूँगी अलग। तो तीनों ही कंटेनर मेरे साफ़ हो चुके हैं, और ये इसको भी मैंने एक बार वॉश कर दिया था चॉपर को और धूप में सुखा दिया। इसको मैं हमेशा इसी तरीके से बॉक्स में रखती हूँ और सामने ही रखा रहता है स्लैब पर, एकदम जब भी यूज़ करना होता है तो इस तरीके से निकाल लेती हूँ इसको, तो इसमें भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकलता है इस तरीके से। और
और मैं इसको हल्का सा पानी डालकर वॉश करने के बाद एकदम इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको मैं हमेशा बॉक्स में ही रखती हूँ। तो मैं अब जल्द यहाँ पर इसको सभी कंटेनर को वापस से सेट कर दूँगी। तो ये है मेरा एक पीछे वाला कांच का जार है जिसमें मैं गोंद रखती हूँ हमेशा ही, और एक मैं रखती हूँ नमक। नमक हमेशा हमें कांच के जार में ही रखना चाहिए। तो इनको भी मैंने इनको कम यूज़ करती हूँ, तो इनका पीछे की साइड रखती हूँ, क्योंकि इसमें साबुत सफ़ेद मिर्च है, एक में कड़ी है और एक में यहाँ पर सेंधा नमक है। तो इनको कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ें पीछे रखती हूँ थोड़ी, मतलब साइड में, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उनको आगे रख लेती हूँ, जिसको मुझे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन पे न्यूज़पेपर लगा दिया है। न्यूज़पेपर भी जब हम इनको प्लास्टिक कवर डालते हैं तो पे वॉश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो न्यूज़पेपर को फटाफट से हम एक दो महीने बाद इनको हटा देती हूँ और फिर इनको वापस से दूसरे बिछा देती हूँ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इनको कंटेनर को भी हम साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से सभी को मैं सेट कर लूँगी किचन वापस से। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले किचन में गैस रखी थी, किचन जब सूख चुका था मेरा, तो क्योंकि मुझे चाय पीनी थी, शाम हो चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा गैस के पास आपको थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने इसको जब ये सूख गया था तब वापस से गैस उसमें रखी थी, सबसे पहले गैस ही रखी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। तो इसी तरीके से एक दिन में ही हम इतना काम कर लेते हैं तो वो इतना चल जाता है, बट हमें अगर सारे कंटेनर वगैरह भी एक साथ ही करना पड़े तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था मेरे लिए। तो मुझे तो इसी तरीके का ये वाला आइडिया अपना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो बस पूरा किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, तो सारे को पन्नी में पैक करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मुझे तो अपना ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, पर इस बॉक्स में मैं रखती हूँ हमेशा ब्लैक वाली कॉफ़ी पाउच रखती हूँ, लेमन टी रखती हूँ, ग्रीन टी रखती हूँ। तो इसी तरीके के इसमें सैसेस रखे हुए होते हैं, तो मैं इनको अलग से यहाँ पर रख लेती हूँ, तो जब भी यूज़ करना होता है तो इसमें से निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं। इस बॉक्स के पीछे जो इस तरीके के बॉक्सेज होते हैं, तो मैं स्टील के जो बॉक्स हैं उनके पीछे इनको रख देती हूँ। और इसमें रखे हुए हैं यहाँ पर कलर रखे हुए हैं, ये फूड कलर हैं, पाउडर फूड कलर है। तो इनको जब यूज़ करना होता है, कुकिंग करती हूँ तो तब इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो इस बॉक्स को भी पीछे ही रखती हूँ इसके ऊपर, और इसके जस्ट ऊपर ही मैं यहाँ पर रखती हूँ ये लिक्विड फूड कलर है। तो सब इस तरीके से सारी चीज़ें एक ही जगह रखी होती हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और इन बॉक्स के पीछे रखती हूँ, ये इतने गंदे भी नहीं लगते क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं इस तरीके के बॉक्सेस। ये मेरा छोटू सा कंटेनर है, ये ऑयल का कंटेनर है, जब कुकिंग करती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ। ये फूड कलर है अलवे का, ऑरेंज फूड कलर, और इसमें मैंने मखाने रखे हुए एक्स्ट्रा, क्योंकि मखाने का अलग बॉक्स दूसरा है, उसमें फिल है, तो इसमें एक्स्ट्रा इसमें मैंने निकाल दिए थे। और ये ग्रीन वाला फूड कलर है, ये ऑरेंज वाला फूड कलर है, इनको ये सबको एक पास ही रखती हूँ। और ये है यहाँ पर कोको पाउडर, तो ये कोको पाउडर के दोनों बॉक्स एक दूसरे के पास ही रखे रहते हैं। और एक्स्ट्रा जो कोको पाउडर है मेरे, क्योंकि मैं 12 एक साथ ही मंगाती हूँ, तो वो मैं स्टोर में रखती हूँ जहाँ पर सारा एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है। ये है मेरे यहाँ पर दो बेकिंग पाउडर, और ये हनी है, इसको हनी को मैंने हल्का सा पन्नी लगाई हुई है जिससे कि चीटी वगैरह जाने का इसमें बिल्कुल भी डर नहीं रहे, वैसे तो नहीं जाएगी लेकिन फिर भी इसको मैं इसी तरीके से रखती हूँ हमेशा ही। और ये छुटकू सा मेरे यहाँ पर एक कंटेनर, इसमें आइसक्रीम आई थी तो इसको मैंने हमेशा रखती हूँ यहाँ पर, ये खाली ही रखा रहता है, इसमें कुछ नहीं करती हूँ, बट यहाँ पर कभी कभी इसको कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ वीडियो में। तो इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा नमक रखती हूँ, इसमें काला नमक है, एक में वाइट नमक है, जब कभी यूज़ करना होता है एक्स्ट्रा तो हमें अलग से नहीं निकालना होता है। मैं उस वाले कंटेनर में इस मौसम में जो हल्का सा ठंडा मौसम होता है तो इसमें इस कंटेनर को निकाल देती हूँ, इस तरीके के कंटेनर में से निकाल देती हूँ नमक, क्योंकि इसमें जो हल्का सा बरसात का मौसम आता है तो इसमें मॉइस्चर हो जाता है नमक में। तो ये है यहाँ पर ग्लूकोज के दो बॉक्स हैं जिनको अभी ओपन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े वाला एक प्लास्टिक का बॉक्स है तो उसी में से यूज़ करते हैं। तो इनको भी मैंने इसीलिए पीछे रख दिया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो बस आगे इनके स्टील के मसालों के बॉक्स रखे जाते हैं और इनको यहाँ पर डेली में यूज़ कर लेते हैं नमक को, तो इसमें एक में ब्लैक सॉल्ट है और एक में वाइट। तो इस तरीके के बंद वाले बॉक्स में मैं रख लेती हूँ, और जो इसका नमक मिर्च वाला वैसा है जो उसमें मैंने फ़िलहाल दालचीनी पिसी हुई रखी हुई है। और ये नेट से मंगवाए थे एक बार छोटे से, ये राइस सिर्फ 500 ग्राम है शायद या 250 ग्राम है, ये पता नहीं कब से पड़ा हुआ है क्योंकि इसको कभी यूज़ ही नहीं किया है ये एक सामान के साथ।
मंगवा के टेस्ट के लिए मंगवाए थे, बट यहाँ पर मैं हमेशा ही, हमारे तो एक साल का जो राइस है वो ले लेते हैं, तो इसलिए कभी ये यूज़ ही नहीं हुआ, तो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। ये पिकल के बॉक्स हैं, इनको मैंने क्लीन नहीं किया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको मैं चेंज करने वाली हूँ इसी बार, तो इसको मैंने इसलिए साफ़ नहीं किया है, इनको मैं नीचे अलग साइड रख दूँगी, क्योंकि मैंने इनको साफ़ ही नहीं किया है, तो मुझे ये अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको पिकल के बॉक्स को मैं खाली करूँगी। तो ऊपर वाले नीचे वाले मसाले जितने भी थे मैंने उसको रख दिया है, और ऊपर वाले पे मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर लगा रही हूँ, हल्का सा टेप लगा दूँगी जिससे कि ये सरकेंगे नहीं बॉक्स रखते हुए। और इन पे ये ऊपर की साइड रखे रहते हैं, जितने भी दालों के बड़े कंटेनर होते हैं स्टील के, वो रखे रहते हैं। बस इसी तरीके से मैं कई साल से अपने किचन को क्लीन कर लेती हूँ, और जो फेस्टिवल आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं पहले ही काम कर चुकी हूँ, और आज भी मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने सिर्फ किचन को क्लीन किया है और कुछ भी नहीं किया है। और ये भी जो मैं बॉक्स लगा रही हूँ, ये भी नेक्स्ट डे के हैं, और मैंने किचन को सामान हटाने से पहले ही जो मसालदान था उसको बिल्कुल अच्छे से फिल कर लिया था, कि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो सामान ढूंढने के लिए। और वैसे भी मैंने जिस तरीके से किचन में रखती हूँ एक के बाद एक बॉक्स रखती हूँ, इसी तरीके से मैंने टेबल पे उठाकर एक एक बॉक्स को रखा था, कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाएगी तो मुझे एकदम वो उसी वाले बॉक्स को मैं उठा सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को क्लीन किया है। तो इस तरीके से स्लैब वाले किचन को आप किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, फेस्टिवल से पहले ही फ्री होकर बैठ सकते हैं, तो मुझे तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगा अपना ये आइडिया। तो मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी साफ़ कर दिया है, और मैंने यहाँ पर इंडक्शन रखा हुआ है इसको भी क्लीन कर दिया है। मिक्सी को इस तरीके से ढक के रखती हूँ, और माइक्रोवेव भी बिल्कुल न्यू है तो इसको भी मैं ढक के ही रखती हूँ हमेशा। और बिल्कुल मैंने सब कुछ सामान सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं, और एक के बाद एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पर सब पे लिखा हुआ भी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो मैं इस तरीके से किचन को रख देती हूँ सामान। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, या मेरा थोड़ा सा भी ये आइडिया अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, या आप इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से किचन को अपने क्लीन करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका जो आपका तरीका है मैं वो फॉलो करना शुरू कर दूंगी। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरा आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।